ओम गंगे नमः, ओम यमुने नमः, तीन बार ओम सरस्वती नमः, ओम हस्तो प्रक्षाहदुलो गोदावर्य नमः, ओम हस्तो प्रक्षल्याम ऋषिकेशाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, हस्तो प्रक्षय सुक्तिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम पापात्मनाम प्रतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम ओम हरि ओम ओमेन बद्धो वली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम अनुवदनामि रक्षे माचल सदा कर कर ओम रक्षा सूत्रम रक्षा विधानम घर में पधारो।
पूजार्थम ग्रहाण गणनायकः ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि ओम ये उठा के इधर चढ़ा दो माता जी की ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम ओम भूर्भुवः वहां से निकाल के थोड़ा अपने नेत्र लगा लो ओम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि उत्तम अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् अम्बुर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः धूपं दीपं समर्पयामि बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से थोड़ा जो अजायता श्रोत्रा वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता अम्बुर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ओम दीपम धूपम हस्तो प्रक्षल्या ओम हरि हाथ दोनों ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम ले ये गणेश जी का ओम नाभ उनको देते जाओ चाहे आप रखते जाओ ओम नाभ्यायासी दंतरिक्ष कुंशी श्लोर्ध्यौ शम वर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशा अरे ऐसे नहीं रखना ऐसे पूरा कटोरा तो मैंने मंगाया ओम नाभ्यायासी दंतरिक्ष कुंशी श्लोकलस्मि ओम नाभ्यायासी दंतरिक्ष कुंशी श्लोर्ध्यौ शम वर्तता विष्णु भगवान का ओम नाभ्यायासी दंतरिक्ष कुंशी श्लोक हनुमान जी का ओम नाभ्यायासी दंतरिक्ष कुंशी श्लोर्ध्यौ शम वर्तता ये है आपके पितर देवताओं का ओम पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिकतायुर्गंतो ओम नाभ्या तीन बार पानी घुमा देना ऐसे ओम नाभ्यायासी दंतरिक्ष कुंशी श्लोर्ध्यौ शम वर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्ना प्राणाय स्वाहा अपानाय कीदाब जाग्रीक महासारद्वी ओम जत्पुरखेल ओम पुंगी फलम महादिव्यम नांग वल्लिर्धैर्युतम हेलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम अम्बुर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः तांबूलम पुंगी फलम हेलादिचूर्ण सहितम समर्पयामि दाब जाग्रीक इदमा शारद्वाभी ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिका शांतिम प्रवक्ष मे ओम नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिता गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम याचिरी स्वयं सुकृतिनां भवने तु लक्ष्मी पापात्मनां कृत धिया हृदये तु बुद्धि श्रद्धा सतां कुल जन प्रभवच्च लज्जातां कामनतात्म परिपा लय देवी वित्तम ओम पूजनार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करोमि ही भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा इसलिए हे मुनि ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए वहाँ श्वेतवर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के देव नारायण भगवान को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे मन तथा बाणी भी आपको नहीं पा सकती आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो
आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका आगमन किस लिए हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन किया और किस दिन करना चाहिए विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि में भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो। मैं नारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में क्या है? सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण मछली बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों के गट्ठर को रखकर मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर प्रार्थना करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज नगर कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और नारायण भगवान के व्रत की सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास
लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आकर आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, साधु अपने बांधों के साथ राज की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, इसलिए इसके विवाह पर कर लूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पित्त ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। सुयोग्य वर एक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने खुल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, हे बड़े, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप के धन को रखा। देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सभा मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद जहाँ भी हों शीघ्र आ जावे, और साथ ही प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यदेव भगवान इस सत्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने लिया है वो भी दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य पुत्र धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भाभी बस आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हैं, आप क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी भगवान। ऐसा कहकर वहाँ से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक कर प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़े
दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते। नारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, हे देवी, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देख साधु बनिया दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह वाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का छाया बोलिए, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। अथ पंचमो अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियो, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्णम। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ब्रह्माय स्वाहा, इदं ब्रह्माय नमः। ओं विष्णवे स्वाहा, इदं विष्णवे नमः। ओं महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इदं महालक्ष्मी नमः। ओं सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धनधान्यसुतावृतमोम यात्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां प्रकृतियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा तथां कुरुजन। ओम ओम यात्री स्वयं सुकृतिनां ओम या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ओम यादगिरी स्वयं प्रतिनाम भवने तो लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधिया हृदय तो बुद्धि श्रद्धा चमोटता पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान आकल्पयन्न। ओम लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वर अभ्याम नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः स्वाहा। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम सुमुखश्चैक दन्तश्च कपलो गजकर्णकादुम्रकेतुर्गणाधिक्यो बालचन्द्रो गजाननात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। ओम नमश्चन्द्रकाये नमो नमः स्वाहा। ओम दुर्गादेव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगचयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं
वंदे विष्णु भावयरम सर्वलो कई कदातम ओम विष्णवे नमात्स्वा ओम विष्णवे नमात्स्वा ओम विष्णवे नमात्स्वा ओम विष्णवे नमात्स्वा ओम यात्री स्वयं सुकृतिराम भवने तो लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदय सुबुद्धि प्रदानताम कुलजन प्रभवत जलज्जा ताम त्वमनतात्म परिपालय देवी विश्वम महालक्ष्मी नमः सर्वांग भूषाकृताम नीलात्मा द्युतिमाच पाद दशकाम चेवे महाकालिकाम यामत्तक्षपिते अरव कबलजो हन्तुम मधुम कैटवम ओम दुर्गा दिव्ये नमो नमः स्वाहा ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम आतात्मजम मानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये ओम हनुमतये स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्षक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु तथीभौमितुतो बुधश्च ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु तथीभौमितुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्राश्च निराहुकेतवाचर्मे ग्रहाश्च किकरा भवन्तु ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम शुक्रवे नमः स्वाहा ओम संसनिश्चराय नमः स्वाहा ओम रंगरावे नमः स्वाहा ओम आधाविनर्मुक्तो धनधान्यसुता व्रतम मनुष्यो मत प्रसादेण भविष्यन्ति न संशया ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णपूर्णमादाय शुच्यते पूर्णं पूर्णमादाय पूर्णमादाय उच्यते स्वाहा विद्विदं नोनी उधर का ला रही है नोनी ये ले जल्दी से आप सब डाल दो सब ऐसे डाल दो आ गया ऐसे बोलिए राधा कृष्ण भगवान करुणावतारम संसार सारम बुद्धिगेन्द्र हारम तथावतंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि ओम बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय ओम जय लक्ष्मी रमला स्वामी जय लक्ष्मी रमला सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमला भरत निरंजन नारद करत निरंजन लक्ष्मी रमणा प्रगट भए कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़े ब्राह्मण बन कर बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन माल किए ओम जय लक्ष्मी रमणा दुरे बलवील कोटारी इन पर दया करी स्वामी इन पर दया करी चंद्र चोले के राजा चंद्र चोले के राजा तीन की विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा तजदीनी स्वामी त्रेता तजदीनो फल भोग्यो प्रभु जी तिरे स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धरे स्वामी चिन चिन रूप धरे श्रद्धा धारण कीनी तिनके बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी
जित पल दीनो मन वागित पल पायो दीन दयाल जी ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली पल मेवा स्वामी कदली पल मेवा धूप दीप तुलसीच धूप दीप तुलसीच राजी सत देवारी हर स्वामी मनवांचित पल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण स्वामिता तुमेव बंधु च सका तुमेव विद्याद्रविणम् तुमेव सर्वं मम देव देव एवं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतामृतम् मनुष्य मत प्रसादेण भविष्यति अपने उसी उपल जन रोष दया शांति वनस्पति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति। महल जिन तेरे बारे लिख दे मुंड तैनू फॉलो कर दे मुंड तैनू फॉलो कर दे छड़ गए सो कर फीफा जिकर दा दिला तू तैनू बुर्ज खलीफा तैनू बुर्ज खलीफा ओ तैनू बुर्ज खलीफा तैनू
जपदे मेरे बैनर नी लोग तो जैलस कर दिए काइली जैनर नी मेरे हुसन दे चर्चे चर्चे मेरे हुसन दे चर्चे चर्चे लंदन तो अमरीका मुंडे दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सूढ़ी वे सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ मुंडा जिद पे अड़ा ओ तेरे पीछे पड़ा
तुझे लगता खराब मुझे लगता बुरा सौदा इश्क दा जो है तेरा आ आ एवे सेट तू ना हो परे हट लेट मी गो स्पॉइल करना तू मूड मेरा आ आ ओ दिल को तूने छुआ ओ जट सेंटी हुआ ओ दिल को तूने छुआ जट सेंटी हुआ मेरे नाल कर ले जरा I'm
तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से। मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क है तेरे होने से, तेरे हाथ में अपने हाथों से, तेरे साथ कटे दिन रातों से। चेहरे को तेरे देखा करे, चेहरे को तेरे देखा करें, लेके तुझे इन बाहों में। इस कदर तुम
काली रतियाँ, दिल ये गया लो गया, मेरी साह है तुझको, साह है तुझको, रब दा है वास्ता, तू हंजू मैनू दे दे, हसी जग नू बुला के, तू
बच्चों आगे चला, आगे चला बच्चे को। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ही आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी सहे आपसे। बेताबियां ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आ गई अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों
दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाली संभलता नहीं ये दिल कुछ प्यार में। मुझ पे नजर ना टिकाना, का तो मेरी अख दा निशाना, Let me love you, let me love you, हर मुंडा फॉलो मैनु करदा, ढूंढे मिलने का बहाना, Let me love you, let me love you, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मेनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मेनू मार सुटिया, लक पतला बलौरी ओद नैन नैन कन्नी चुमके उलारे ओद लैन लैन गल्ला करदी करदी शायद तो मिठिया, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया। Bounce to the big gal, move your body gal, bounce to the big gal, move your body gal, bounce to the big gal, move your body gal, bounce to the big gal. Let me see you move it tonight, girl. Oh yeah, na na na. Yeah. Let me see you move it tonight, girl. Oh yeah, na na. Girl, you're the one I like. Won't you come by my side? Sitting by the candlelight. Baby girl, let me make you mine. सामने किसे दे उबलोड़ो संग दी, दुनिया तो चोरी चोरी दिल मांग दी।